इस आपदा से जूझ रहा है। ऐसे में कृष्ण की नगरी मथुरा धर्म कर्म के लिए जानी जाती है। जनता को अति शीघ्र इस महामारी से निजात मिले, इसके लिए तमाम अनुष्ठान हवन पूजा यहाँ विद्वानों द्वारा की जा रही हैं। आज भी प्राण प्रतिष्ठान चल विग्रह का हुआ पंचामृत जन्म महाअभिषेक कोविड के चलते इस बार सूक्ष्मता से मनाया। प्राकट उत्सव लोगों को नहीं किया आमंत्रित। इस बार विष्णु अवतार भगवान परशुराम का परंपरागत प्राकट उत्सव कोरोना महामारी के चलते सूक्ष्मता से नहीं मनाया गया। सजातीय बंधुओं को भी सूक्ष्म आत्मक दृष्टि से आमंत्रित नहीं किया गया। प्रातः बेला की शुभ मुहूर्त में मोहित भवन में विराजमान प्राचीन अस्त्र धातु के भगवान परशुराम के श्री विग्रह का पुरुषोत्त के मार्ग से ही वैदिक विधि से पंचामृत जन्म महाअभिषेक विप्र सेवा पंडित अमित भारद्वाज एवं श्रीमद् भागवत कथा आयोजित समिति के अध्यक्ष पंडित शशांक पाठक ने घंटे घड़ियाल की मंगल ध्वनि के मध्य किया। अभिषेक के उपरांत बेला के परंपराओं से श्रृंगारित कर शीतल पेय सतुआ एवं मौसमी फलों का भोग अर्पित किया। महामारी से विश्व की मुक्ति के लिए स्तुति याचना की गई एवं 21 दीपों से महाआरती की गई। पंडित अमित भारद्वाज ने कहा कि सभी ब्राह्मण बंधुओं को परशुराम के कार्यों से प्रेरणा लेकर समाज हित एवं लोकहित के कार्य के लिए सदैव तत्पर रहना चाहिए। सर्व कल्याण की भावना से जनहित के कार्य में संलग्न रहना चाहिए। इस अवसर पर विश्व कल्याण की भावना एवं महामारी से मुक्ति का संकल्प लेकर पंडित शशांक ने परशुराम स्त्रोत के 108 का अनुष्ठान भी किया। आज परशुराम जयंती के उपलक्ष्य में मोहित भवन में विराजमान भगवान परशुराम की अष्टधातु की प्राचीन सिद्ध विग्रह का पंचामृत महाभिषेक किया गया है। इस बार अन्य विप्र बंधुओं को इसमें आमंत्रित नहीं किया गया कोविड-19 महामारी के चलते। इस बार बहुत सूक्ष्मता के साथ यह आयोजन किया गया है। इसमें सर्वप्रथम पंचामृत महाभिषेक किया गया। पंचामृत महाभिषेक के उपरांत पूजन अर्चन किया गया। पूजन अर्चन के बाद आरती और पुष्पांजलि कार्यक्रम हुआ। इस बार यह आयोजन सूक्ष्मता से करने की अपील हमने की थी और उसी अपील का भी हमने पालन किया है, क्योंकि इस महामारी के दौर में किसी को बुलाना, किसी के स्वास्थ्य हानि करना है, इसलिए हमने इस बार यह आयोजन बहुत ही सूक्ष्मता के साथ किया। भगवान परशुराम के प्राचीन विग्रह का पंचामृत महाभिषेक पूजन अर्चन करके। जय भगवान परशुराम।